नेक्स्ट एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन का. सपोज हमने जो स्टार था हमारा बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार था वो तो हमने ले लिया मल्टीप्लाई, और जो जी सेट था वो हमने ले लिया जेड. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के सेट के ऊपर मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा. बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब था कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो फिर से क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. और ये चीज हमें पता है कि हम कोई भी दो इंटीजर ले ए और बी, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो फिर से क्या होता है, इंटीजर ही होता है. जैसे मान लो हमने 3 और 5 ले लिया, ठीक है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, वो भी क्या है, इंटीजर. इसका मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट फिर से क्या आएगी, इंटीजर आएगी. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स. इसी तरह से मान लो मैंने स्टार तो ले लिया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और जी सेट मैंने क्या ले लिया, जिसमें 4 एलिमेंट है, 1-1 अयोटा और माइनस अयोटा. अब हमें चेक करना है कि जो स्टार है वो इस जी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनता है या नहीं. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स कि क्या मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और उसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इन्हीं में से कोई एक आएगा या नहीं आएगा. तो आप आसानी से देख सकते हो, आप कोई मर्जी दो एलिमेंट उठा लो, जैसे कि मैंने अयोटा और माइनस अयोटा उठाया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, वो फिर से इस सेट में है. अगर मैं ये दोनों लेती हूँ -1 और अयोटा, इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, -अयोटा, वो भी इसमें है. अगर मैं -1 और -अयोटा लेती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर कितना आएगा, अयोटा, वो भी इस सेट के अंदर है. इसका मतलब आप इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर फिर से इसी सेट में बिलोंग करेगा. सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट, बट इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट अयोटा एंड माइनस अयोटा. जो मल्टीप्लीकेशन है वो अयोटा और माइनस अयोटा वाले सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि सपोज मैंने इस सेट के दो एलिमेंट्स ले लिए, एक अयोटा और एक माइनस अयोटा, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 1, लेकिन 1 फिर से इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा. इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट, क्योंकि इस सेट के दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन जो आ रही है वो फिर से इस सेट में बिलोंग नहीं कर रही. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन इस सेट के ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन अयोटा और माइनस अयोटा वाले सेट पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को हमें नेचुरल नंबर्स के सेट पर चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या आप दो नेचुरल नंबर लोगे तो क्या हमेशा उनका डिफरेंस भी एक नेचुरल नंबर आएगा, तो आंसर है नहीं. क्योंकि मान लो मैंने दो नेचुरल नंबर ले लिए, सपोज 2 और 3, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट किया आंसर कितना आया, -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है. इसका मतलब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस भी नेचुरल नंबर आए. सो जो डिफरेंस का ऑपरेशन है, दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट है मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे ऑन द सेट M. M किसका सेट है, M इज द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर रियल्स. M के अंदर हम क्या ले रहे हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसमें ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर्स हैं. आपको पता है हम 2x2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी, और अगर हम 2x2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी. इसका मतलब प्लस करने पर भी एम के दो मेंबर्स लेंगे, उनको प्लस करेंगे तो भी आंसर एम में जाएगा, एम के दो मेंबर्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर एम में ही जाएगा. सो मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर रियल्स.